अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। ईद मुबारक सब लोगों को मेरी तरफ से। और मेरी ईदी कहाँ है इस बार? बकरा ईद में तो ईदी भी नहीं होती। मज़े की बात यह है, और ईद जो है वो हम लोगों ने फार्म हाउस पे की थी। सबसे पहले जो है वो तैयार होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जाना था, सुबह सुबह का टाइम था। फाउंडेशन जो मैंने अप्लाई किया, इससे पहले मैंने लगाया था सीरम ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी सीरम। अभी एमरेज की मैंने न्यू फाउंडेशन ली है 3200 की, ईद के लिए ही ली थी, तो वो मैंने अप्लाई किया। और आपने देखा होगा कि मैंने हाथों से ही इसको ब्लेंड किया है, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया और कंसीलर यूज़ करी हूँ एले गर्ल का। और मेरा अपना ही तरीका है मेकअप करने का, और कभी भी मेरी जो फाउंडेशन है वो केकी वगैरह कभी भी नहीं होती। तो ये मैंने इस तरह आईज पे भी लगा लिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी हाथों से ब्लेंड करूँ। हाथों की जो हीट होती है उससे आपका मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। अगर किसी को ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करना आता तो वो हाथों से कर सकता है, और मेरी स्किन ऐसी ही है कि मैं आराम से कर लेती हूँ। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने नहीं लगाया, मैंने उसके बाद डायरेक्ट लगाया है। ब्लश अपना लगाया है, ब्लश क्रश का 03 नंबर है। जिन लोगों को मैंने नहीं बताया था, मैंने आज दोबारा से बता दिया है। और इसके शश के देखें यार, लगाते साथ आपके सामने मैंने कोई ब्लेंड नहीं किया, जैसे ही लगाया है उसका ब्लेंड हो गया है। और ये आईज़ पे, ये लिप्स पे बहुत अच्छा है। अगर किसी ने मेरी वीडियोज़ देख कर कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो वो ये बाय कर ले, क्योंकि सब मुझसे पूछते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया है। उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल करना है, क्योंकि मेरे कट है ब्रोज में, तो वो फिल करना ज़रूरी है। और देखिए मैं कितनी जल्दी से फिल कर लेती हूँ। और मैंने जो फिल करती हूँ ये वाला कट, वो मैं करती हूँ आईलाइनर से। आप लोग भी आईलाइनर से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आईब्रोज के जो बाल हैं वो ब्लैक हैं, तो इस वजह से मुझे ब्लैक से ही करना पड़ता है। अगर मैं ब्राउन से करूँ तो वो नज़र आता है, ठीक है। और मैंने काशीज का आई शेडो पैलेट चूज़ किया है, और ये देखें लगाते साथ ही कलर बैंड हो जाते हैं। पता नहीं मेरे हाथों में इतनी हीट है या फिर इनके कलर ही इतने अच्छे हैं। और ये पैलेट मैंने लिया था 2500 का, और ये मुझे बहुत अच्छा मिला था, और इसके पिगमेंट्स भी अच्छे हैं। अगर किसी ने बाय करना हो तो ये रिकमेंडेड है, आप कर सकते हैं। इधर से ही मैंने वाइट कलर उठा के हाइलाइटर लगा लिया। इधर से ही मैंने, अगर मैं ब्लश भी लगाना चाहती तो यहाँ से लगा सकती थी। कॉन्डोर भी मैं यहीं से कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। बहुत डिफरेंट मैं लाइनर यूज़ करती होती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कौन सी लिपस्टिक का कलर है। और ये ऑरेंज शेड का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और इतने मज़े के कलर बिल्ड हो जाते हैं मेरी लिपस्टिक के। अच्छा, मेरी सिस्टर्स भी कहती हैं आपके जो लिप्स है ना उस पे कलर कुछ और आते हैं, हमारे कुछ और आते हैं। ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, इस आपको ब्लेंड करना आना चाहिए, तो आपके कलर जो है वो ब्लेंडिंग से ही निकलते हैं, और मुझे ब्लेंड करना अच्छे से आता है। और 700 का मैंने कुछ लिया था। ये मेरे पास जो हील्स के शूज़ हैं, और इनकी प्राइस भी 2800 थी, और मैं सोच रही थी इनमें से कौन सा पहनूँ। ये मैं डिफरेंट चीज़ों ओकेजन्स के लिए लिए थे। ये ब्लैक कलर का था, लेकिन इस सूट के साथ मैंने ये वाले नहीं पहने, दिखा देती हूँ ये वाला। अच्छा, इसमें मैंने एक में चप्पल नहीं ली थी, वो दिखाई हुई है, मुझे याद भूल गया था कि मैंने ना सूट के साथ के पहने हैं, इस वजह से दोबारा मैंने शूज़ जो है वो वाइट ब्लैक कलर की हील जो है वो इसके साथ पहनी थी। और ये मेरा ड्रेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 9000 का ये ड्रेस है। और ड्रेस की डिटेल अगर किसी को चाहिए तो